गाइस ये चेक करो हमारे चित्रांश को। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है जन्माष्टमी, आप सभी को मेरी और हम सब की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। सो सबसे पहले तो कान्हा जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद जाएंगे बुआ जी के यहाँ पे और शाम को हम फोड़ेंगे मटकी और बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना और साथ में रहना। थैंक यू एंड थैंक यू आप सबके लिए, क्योंकि आप सबने मेरे 500 सब्सक्राइबर करा दिए। ऐसे ही सपोर्ट करना आगे भी और जल्दी से 1000 भी कराना। सो मिलते हैं, पहले कान्हा जी की पूजा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज, अभी घर पे बुआ जी आई थी साड़ी वाड़ी देखने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे बुआ जी के घर पे। सो गाइज, अभी परी और मैं जा रहे हैं मटकी लेने शाम के लिए, शाम को फोड़ने के लिए। चलो। सो गाइज, फाइनली हम लोग मटकी ले आए हैं और अब परी से करेगी डेकोरेट। ये देखो पीछे कूदता हुआ आपको दिखाई दे रहा पागल लड़का। सो अभी इसे डेकोरेट करेगी। और गाइज, हमारे यहाँ पे भी मतलब आंटियों का अलग ही सिस्टम है, अलग ही रोल है। बीच में खड़ी हो जाएगी ना रोड के, तो रोड से साइड ही नहीं होती, मतलब बीच में खड़े होकर बात करते हैं। अभी हम दोनों गए ना परी लेने मटकी, तो बीच में आंटी खड़ी थी, बीच में खड़े होकर बात करे। ये उन्हें कोई चिंता ही नहीं है कि पीछे से कोई गाड़ी आए या ना आए। तो अभी पहले से डेकोरेट करते हैं और उसके बाद बुआ जी के यहाँ पे चलते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग बुआ जी के यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मम्मी ने कुछ सामान बुआ जी के लिए रखा है। तो मम्मी बताइए, मम्मी आपको बताएगी किस किस के लिए है और किस के लिए हम देते हैं ये। ये वाला मतलब छोटी और बड़ी बुआ जी के लिए, ये जन्माष्टमी के टाइम पे हम लोग देते हैं। तो ये बुआ जी के लिए, ये उनके बच्चों के लिए और ये उनके बच्चों के बच्चों के लिए है, ठीक है। और मैं किसके लिए हूँ, मैं किसका हूँ मम्मी? हमारे लिए, हमारे। तो अभी फिलहाल निकलते हैं बुआ जी के यहाँ पे और मिलते हैं आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। सो गाइस, फाइनली लगभग हमारी मटकी प्रिपेयर हो चुकी है। इतनी अच्छी नहीं बनी बट फिर भी सबने मेहनत करी, दीदी ने भी, मैंने भी, परी ने भी। बस इतना तो कुछ करा ही नहीं आपने, डिजाइन तो बनाया रेड रेड बॉर्डर, ये देखो ये बॉर्डर नहीं गया, ऑलमोस्ट ये लगभग हो ही गई है। और ये देखो फर्स्ट हमारा कैसा हो गया गंदा। तो गाइज, अभी हम लोग निकल रहे हैं बुआ के यहाँ जाने के लिए और ये देखो मम्मी जी रेडी हो गई और सारा सामान भी रेडी हो गया, बाकी दीदी वगैरह सब आ रही है और उनके आते ही फिर हम लोग निकल रहे हैं, मतलब बस मिलते हैं आपसे वहाँ पे पहुँचने के बाद। सो गाइज, बुआ जी के यहाँ पहुँच गए तो और भाभी ने मेरे लिए, मम्मी के लिए चाय बनाई है और बाकी परी, दीदी, रौनक सब पी रहे हैं क्या? लस्सी। और ये ईशू भी उठ गया था और ये कुटकुट भी उठ गया। कुटकुट खिड़की दिखाओ अपनी, दादी हो पहले दिखाओ। सो गाइस, फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी बड़ी बुआ जी के यहाँ पे। सो हमें गाड़ी लेट मिली तो हम यहाँ पे भी लेट पहुँचे। और गाड़ी कौन सी है? 11 नंबर की बस जो यहाँ पे सीधा हमें लेके आती है, ठीक है, मतलब हमारे दो पैर। और मम्मी थक गई, आती बैठ गई और बुआ जी देखो आज साड़ी वाड़ी पहन के रेडी है खुद। बुआ जी गाइस, फाइनली छोटी भाभी जी भी आ गई और हमारा चित्रांश भी आ गया जो शाम को प्यारे से कान्हा बनने वाले हैं हमारे चित्रांश। और भाभी तो राधा जैसी लगी रही है लेकिन अभी भैया नहीं आए। और मटकी फोड़े कौन, बेटी पुष्पा? नहीं, खुली ही रखेंगे। नहीं यार, वो भी इसको दे दे, चॉकलेट लगा है। चॉकलेट कहाँ है? वो रखेंगे अंदर। हाँ हाँ, अंदर रखेंगे। मैं हमारी बेड पर। सो गाइस, चित्रांश के लिए हम लेके आए, चित्रांश और अक्कू के लिए चॉकलेट और टॉफीज कुछ। ये लो चित्रांश, थैंक यू। नींद, थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू। अप्पू भैया को भी खिला देना, ठीक है चित्रांश? तो गाइस, अभी अक्कू को उठाते हैं चॉकलेट देके। अक्कू से हवा है, अक्कू
अक्की अक्की उठ जाओ अक्की, देखो चॉकलेट चॉकलेट, देखो चॉकलेट चॉकलेट लेके आए चाचू आपके लिए। अक्की अक्की उठ जाओ, ये लो चॉकलेट, तो ले लो चॉकलेट, लो जल्दी खड़े हो जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देखो 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 बुई आई है, बुई बुई भी आई है, उठ जाओ उठ जाओ, आ जाओ चलो, चिज्जी लेके आई है बुई आपके लिए भी। सो गाइस अभी अक्कू को तो नींद आ रही है, अक्कू सोया हुआ ही है, अक्कू को ऐसे ही बाहर लेके चलते हैं। चित्रांश वहाँ क्या हो रहा है? बर्थडे। किसका बर्थडे है बताओ? कान्हा। सो गाइस अब एक चाय के बाद दूसरी चाय आ गई, भाभी जी बना के ले आई दूसरी भाभी। अब पहले चाय वाय फिनिश करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये देख लो, ये बर्फी हमारे पूरा मतलब कटोरा अपने सामने लेके बैठी हुई है और मशीन चली जा रही है, मशीन चल जा रही है और यहाँ रौनक पूरा नमकीन का कटोरा लेके बैठा हुआ है। नहीं कुछ भी है ही नहीं कुछ भी, ये क्या है दीदी आपका है? सो गाइस आपने बड़े टाइम बाद देखा होगा ये फेस हमारे प्यारे से ब्लॉग में, और ये भाई बड़े मुश्किल से बुलाने के बाद आए क्योंकि भाई के बिजनेस चलते हैं, बिजी रहते हैं मीटिंग वगैरह में, ठीक है, तो इसलिए ये आ नहीं पाते, वैसे तो हम बुलाते रहते हैं। तो भाई आज मटकी फोड़ने के लिए आए, फुड़वाने के लिए। मम्मी बोल रही कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, मम्मी कह रस्सी किस लिए चाहिए? वो तो मम्मी मुझे घाटी वाइफ वाइफ का तो पतला वाला बोले ये चलेगा नहीं आज, तो बोलो ना किसी को मारने जा रहे हैं रस्सी से बांध बांध के। और अभी हम रस्सी के लिए मतलब रस्सी का जुगाड़ कर रहे थे पर ऐसा लग रहा है कि शायद छोटी ना पड़ जाए, ऊपर नीचे नहीं जाएगा थोड़ा क्या। सो गाइस फाइनली हमारे काला जी भी आ गए, क्या हुआ चिकलांच? और ये काला जी रोने लगे, एक तो भाई तुम्हारे बाल को ने दिया, मैं कमरे में जाऊं सुनाई नहीं दे रहा, ठंडा हो गया देखो। गाइस मटकी चेक करो, पावर भी देखिए बस पैर में। और चिकलांच क्या हुआ? ठंडा ही हो रहा है, बांसुरी दिखा दो, बांसुरी बांसुरी दिखाओ अपनी बांसुरी का, बता दो भगवान जी, भगवान जी। गाइस ये चेक करो हमारे चित्रांश का मुंह भरा है, लिपस्टिक लगाई जा रही है कान्हा जी को, यार आराम से लगवा भी रहा है, क्या हो रहा है बाबू? हेलो करो वहां पे, हेलो करो, हेलो पापा जी, इसके से पीछे घूम दे लिपस्टिक से, पापा जी जा, पापा जी पापा जी चित्रांश यहाँ देखो फोटो खींच रहे, फोटो चित्रांश ये क्या है, यहाँ देखो चित्रांश का मेकअप किया जा रहा है। चित्रांश ये बताओ पहले ये क्या है, ये इधर दिखा इधर चित्रांश हाथ दिखाओ, चित्रांश बताओ ये क्या होता है, ऐसे करो ऐसे ऐसे बताओ ना चित्रांश, देखो चाचू बुलाया चाचू, क्या है ये बताओ चाचू को क्या है, ये बताओ ये क्या है चाचू को बताना, पहले बताओ ये क्या है फिर दूंगी। मिन्नी दोबारा बताओ ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पिस्टिक, पिस्टिक क्या है, ये पिस्टिक ये क्या है, ये क्या है, ये पिन देख रहा पिन ऐसे कर दो और कुछ और ना है कुछ समझ, ये क्या है, ये क्या है, गाइस फाइनली हमारे दूसरे कान्हा जी भी आ गए और एक छोटे कान्हा जी से तो आप पहले मिल ही लिए, हाँ बीच ना लेके हवा कर लो, बीच ना लेके हवा कर लो, पहले ऐसे कर दो चित्रांश से। तो गाइस फाइनली हमारी मटकी भी रेडी हो गई, करो करो करो, अरे करो 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 करो, बांध मत थोड़ा और नीचे छोड़ दे, चलो 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 चलो।
बस सो गाइस फाइनली सब फंक्शन वगैरह कंप्लीट हो चुका है, दही अंडे वगैरह, और मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली बिकॉज ऊपर से पानी वानी और लस्सी वस्सी गिर गई थी तो थोड़ा गंदा सा हो गया था, तो इसलिए मैं अभी नहा धो के फिर से मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली और अभी 12 बजने वाले हैं। हमने थोड़ा 12 बजे से पहले फोड़ ली मटकी बिकॉज भाभी जी को और भैया को जाना था घर पर, तो इसीलिए जल्दी फोड़ ली और मतलब बहुत मज़ा आया। एक तो ये है कि मैं ऊपर से लटक गया, ऊपर गया ना फूट ही नहीं रही मटकी, फूट ही नहीं, और उसके बाद मैं लटक गया नीचे से, पैर फिसल गया पता नहीं कैसे, और वो तो अच्छा है रस्सी नहीं टूटी, रस्सी काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी इसलिए बच गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।